रोबोट सीरीज की सबसे बड़ी ताकत ही बन सकती है रोबोट 3.0 के फेलियर की वजह। आखिर क्यों रोबोट 2.0 को स्काईफाई मानने से इनकार करते हैं क्रिटिक्स? स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में। साल 2010 में अपनी एंथिरन उर्फ रोबोट से शंकर ने सबका मुंह खुला का खुला रख दिया। उस समय किसे ही पता था जादुई घड़ी और धूप मांगते फ्रेंडली एलियन से बड़ा कोई साइंटिफिक किरदार इंडिया में भी देखने को मिल सकता है, वो भी इतने ग्रैंड लेवल पर। शंकर ने वाकई गर्म लोहा देखकर हथौड़ा चलाया था, तभी तो टेक्नोलॉजी अबून और बेन पर बेस्ड ये फिल्म भी तब आई जब ऑलरेडी टेक्नोलॉजी पर हमारी निर्भरता के सवाल चरम पर थे। फिर क्या था, ऑडियंस शॉक्ड हुई और मेकर्स माला माल। इस तरह टेक्नोलॉजी से जुड़ा बॉलीवुड का ये टैबू टॉपिक ही शंकर की सक्सेस का कारण बन गया। लेकिन अब इसकी दूसरी फिल्म निकलने के बाद ऐसा क्यों लग रहा है कि यही साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स इस सीरीज के फेलियर का कारण बनेंगे और रोबोट 3.0 बनने से पहले ही नकार दी जाएगी? इसे जानने के लिए हमारे वीडियो को अंत तक देखें और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। दरअसल रोबोट 2.0 को कई क्रिटिक्स ने स्काईफाई जॉनर का नाम देने के बजाय हॉरर करार कर दिया। आपको तो याद ही होगा किस तरह पक्षी राजन एक ऑर्निथोलॉजिस्ट की भटकती आत्मा का साइंटिफिक वर्जन था। अब आप कहेंगे कि इसे तो वसीकरण ने केंडियन फोटोग्राफी थ्योरी से जस्टिफाई किया था, लेकिन दरअसल सारा पंगा ही इस फ्लॉड जस्टिफिकेशन का है। बिना ज्यादा टेक्निकल टर्म्स में घुसकर कहे तो दरअसल अगर किसी भी फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर कुछ रखा जाए तो उसकी इमेज का इर्द गिर्द एक एक्स्ट्रा लाइट दिखती है, जिसे वसीकरण सर ने पक्षी राजन के ऑरा का नाम दे दिया। लेकिन एक्चुअली ये सिर्फ एक मोलेक्युलर रिएक्शन के कारण होता है और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स पर भी अप्लाई करता है। इसलिए इस पक्षी राजन की ऑरा को आप नॉर्मली उनकी आत्मा कह सकते हैं, जिसे शायद मॉडर्नाइजेशन की वजह से थोड़ी साइंटिफिक शक्तियां मिल गई हैं। अब सारी दिक्कतें आती हैं डिजिटलाइजेशन के कारण। पहले ऑडियंस के पास इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट दोनों के ही लिमिटेड सोर्सेस थे, लेकिन डिजिटाइजेशन के कारण दुनिया भर की नॉलेज फिंगर टिप्स पर है, जिसे हम फिल्मों में दिखाई थ्योरी को वेरीफाई कर सकते हैं। और ओटीटी प्लेटफॉर्म की पॉपुलैरिटी के कारण हमारे पास एंटरटेनमेंट के भी कई चॉइसेस अवेलेबल हैं, दैट आल्सो विद सबटाइटल्स एंड डबिंग फैसिलिटीज। तो अगर हमें कोई फिल्म पसंद नहीं भी आती तो हमारे पास उस तरह की हजारों फिल्में उपलब्ध हैं और हम उसी प्रोजेक्ट को देखने के लिए ऑब्लिगेटेड नहीं है। यही कारण है कि जिस टेक्नोलॉजी के कारण रोबोट सीरीज हिट हुई है, अब वही टेक्नोलॉजी सीरीज पर सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है। 2.0 तो अक्षय की एंट्री और पिछली फिल्म की गुडविल के बदौलत चल गई, लेकिन अगर शंकर ने 3.0 में इन डिटेलिंग पर काम नहीं किया तो शायद देश में इस फिल्म का जो रुतबा है वो ज्यादा समय तक नहीं रह सकेगा। आप हमें कमेंट्स में बताइए कि क्या आपको लगता है कि रोबोट 3.0 बन पाएगी और अपनी पिछली सक्सेस के किस्से दोहरा पाएगी, या फिर 2.0 ही इस सीरीज का एंड होगा। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और फिल्मी दुनिया से जुड़ी ऐसी ही खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।